इसी बीच रुक लेते एक और बड़ी खबर का। पंचकुला से बड़ी खबर है, हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर है आज। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी विधायक भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। मोनी रोड पर बने होटल में आज शिविर का आयोजन होगा। आपको बता दें कि सुबह तकरीबन 10 से शुरू होगा चिंतन शिविर। शिविर के बाद शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन करेगी कांग्रेस, यानी कि मीडिया से मुखातिब होगी कांग्रेस शाम को 5 बजे। तो हरियाणा कांग्रेस का चिंतन शिविर, कई मायने में ये शिविर खास मानी जा रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस शिविर में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा भी इस शिविर में नजर आएंगे। सुबह 10 बजे से इस चिंतन शिविर की शुरुआत होने जा रही है। शिविर के बाद शाम तकरीबन 5 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेगी कांग्रेस। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। चिंतन शिविर पर बोलते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस और भी मजबूत होगी। वही हुड्डा ने कहा कि कोई भी नेता कांग्रेस छोड़कर नहीं जा रहा है। परसों कल पता लग जाएगा शाम को क्या कुछ रहेगा। शिविर है, कांग्रेस मजबूत होगी, उभरेगी, किसी ने नहीं छोड़ा। पार्टी का अंदरूनी मामला है, कल है और परसों कल पता लग जाएगा शाम को क्या कुछ रहेगा। शिविर है, कांग्रेस मजबूत होगी, उभरेगी, किसी ने नहीं छोड़ा। पार्टी का